दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट MBA सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। तो इसी सीरीज में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों लिंकिंग HR स्ट्रेटजी विद बिजनेस स्ट्रेटजी। इसको दोस्तों बेस्ट फिट अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्चुअल में ये होता क्या है। देखिए HR स्ट्रेटजी, ठीक है, HR स्ट्रेटजी से क्या आप समझते हो, लाइक कि HR डिपार्टमेंट जो होता है वो अपने तो काम करता ही है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर SHRM के बारे में पढ़ा था ना कि SHRM क्या होता है, उसका वो किस तरीके से डिफरेंट होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल लाइक ट्रेडिशनल HR और स्ट्रेटजी के HR में किस तरीके का डिफरेंस होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि स्ट्रेटजी के HR यानी कि स्ट्रेटजिक SHRM यानी कि किस तरीके से वर्क करता है, वो किसके ऊपर मेनली फोकस करता है कि वो अपने काम तो करता ही है। HR डिपार्टमेंट अपने तो काम करता है, हायर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग देना ये सारे काम तो करता ही है, बट वो क्या करता है एक स्ट्रैटेजी बना करके करता है। अब ये स्ट्रैटेजी क्यों बनाता है HR डिपार्टमेंट, देखो सीधी सी बात है कि अगर आप जहाँ पर भी कोई भी काम करोगे, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाओगे, ठीक है, तो उससे आपके जो चांस ऑफ रिस्क और चांस ऑफ अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, लेट्स से कि हमको बहुत ज़्यादा कोई भी हमने कोई भी काम करना है, ठीक है, मान लो कि हमको 90% मार्क्स लाने हैं, ठीक है, तो हमने अगर जब तक अनटिल अनलेस जब तक हम कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे कि सुबह हम जल्दी उठेंगे, सुबह हम इतने बजे से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, मोबाइल कम चलाएंगे, तो ये सारी स्ट्रेटजी है, ठीक है, ये सारी स्ट्रेटजी को नहीं बनाएंगे तब तक हमारे हम अपने जो भी हमने गोल को बनाया हुआ उसको हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसमें हम सक्सेसफुल ही नहीं हो पाएंगे। तो HR स्ट्रेटजी का सीधा सा मतलब है कि आप एक तरीके के HR डिपार्टमेंट क्या करता है, रणनीति तैयार करता है जिससे कि ओवरऑल क्या होता है बिजनेस की इफिशियंसी में फर्क आता है, ठीक है, इफिशियंसी बिजनेस की बढ़ती है, ठीक है। तो यहां पर HR स्ट्रेटजी अलग है और बिजनेस स्ट्रेटजी अलग होती है, ठीक है। HR स्ट्रेटजी में क्या आता है कि सभी लोग मोटिवेटेड रहें, सभी लोग अपना बेस्ट 100% दें, ठीक है, सभी लोगों का क्या करना, खुश रखना, ये क्या होता है HR डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है। बट यहां पर बिजनेस स्ट्रेटजी से सीधा सा मतलब क्या होता है दोस्तों, बिजनेस स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि आप बिजनेस स्ट्रेटजी में आप क्या चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो कि आपका यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है, और बिजनेस स्ट्रेटजी में आप क्या ऐड कर सकते हो कि आप क्वालिटी के साथ में प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, ठीक है। बिजनेस स्ट्रेटजी में आप क्या करते हो कि कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो, वहीं HR स्ट्रेटजी में आप क्या करते हो कि एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों स्ट्रेटजीज अलग अलग हैं, HR स्ट्रेटजी अलग है और बिजनेस स्ट्रेटजी अलग है। अब इन दोनों को आपस में आप लिंक कर दो तो इससे क्या होता है कि बिजनेस को ओवरऑल प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेट्स से कि अगर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका बिजनेस अलग जा रहा है और उसमें HR डिपार्टमेंट वो दूसरे लोगों को हायर कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या ग्रोथ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, है ना। तो यहाँ पर HR डिपार्टमेंट को भी थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा। लेट्स से कि अगर मुझे जैसे कि मान लो कि अगर मैं कोई भी ऐसा मैं किसी कंपनी का HR हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज होगी, ठीक है, नहीं होगी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दोज कैंडिडेट्स हु आर कमिंग एंड लाइक जो लोग BA लाइक जैसे कि लोग कुछ होते हैं ना BTech वगैरह करके आते हैं और MTech करके बहुत अलग अलग टेक्निकल बैकग्राउंड से जो भी लोग होते हैं, ठीक है, तो वो जो भी करके आते हैं उतनी नॉलेज क्या मुझे होगी ऐसा HR, ठीक है, क्योंकि मैं अपने फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि उनके CV को उस तरीके से देखूँगा कि वो जो टेक्निकल जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो उसको दे पाए, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ, देखो जैसे कि अगर कोई भी एक क्या हो, मान लो कि एक कोई मैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या हूँ HR हूँ, ठीक है, जहाँ पर प्रोडक्शन से रिलेटेड काम होता है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल बनना पड़ेगा अपने आप को, भले ही मुझे वो सारी चीज़ें पता ना हो कि किस तरीके से टेक्निकल चीज़ें देखी जाएँ, लाइक किस तरीके से जो भी टेक्निकल चीज़ें मुझे पता नहीं होंगी, लेकिन फिर भी उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखनी पड़ेगी, क्योंकि ओवरऑल हायर तो मुझे ही करना है ना उन सभी कैंडिडेट्स को, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो मुझे बेवकूफ़ बना देंगे, है ना। तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा और बिजनेस से रिलेटेड जो भी कुछ ऑपरेशन लाइक कि जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को मुझे भी सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो HR स्ट्रेटजी के अंदर क्या आता है कि आप कैंडिडेट के जो भी बिजनेस के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर
रिक्वायर्ड हैं, लाइक कि वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट से हो, उसके लिए टेक्निकल हो, तो अब मैं उस कैंडिडेट को ढूंढूंगा नहीं जो कि फाइनेंस में ज़्यादातर एक्सपर्ट हो, ठीक है, उसको अच्छी खासी समझ फिनेंस से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टेक्निकल आदमी जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो, बेस्ट, यानी कि फिट हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ मेरा कि SNHR मैं क्या सर्च करूँगा कैंडिडेट्स के अंदर, टेक्निकल स्किल्स को सर्च करूँगा, ठीक है, जो बीटेक वगैरह होता है वो तो सारी चीज़ों, उसकी क्वालिफिकेशन के अंदर सारी चीज़ों को मैं सर्च करूँगा, इसके अलावा मैं और भी कई चीज़ों को सर्च करूँगा जो कि उनकी उस पर्टिकुलर स्किल से मैच करती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। HR स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस की स्ट्रैटेजी से अपने आप को लिंक कर दो, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, बेस्ट फिट अप्रोच। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बेस्ट फिट अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द HR प्रैक्टिसेस एंड अलाइनिंग देम विद द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी। यानी कि इसका क्या मतलब है कि बेस्ट फिट अप्रोच का मतलब क्या होता है कि एज एन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HR स्ट्रैटेजी को क्या कर दो, HR स्ट्रैटेजी को क्या कर दो, बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ में क्या कर दो, अलाइन कर दो, ठीक है। अलाइन करने का क्या मतलब होता है कि दोनों को आपस में मर्ज कर दो, इससे क्या होगा, हमारी पूरी बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिट होगी। देन यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि द बेस्ट फिट अप्रोच क्लेम्स दैट HR स्ट्रैटेजी बिकम मोर एंड मोर इफिशियंट व्हेन इट इज लिंक टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर कोई भी HR डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, वो अपने तरीके से लोगों को हायर करता है और बिजनेस का कुछ अलग ही गोल है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बिजनेस की उतनी ज़्यादा इफिशियंसी नहीं बढ़ पाएगी। तो HR डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बिजनेस के जो भी लास्ट यानी कि उसके जो गोल्स हैं उसको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी को तैयार करना पड़ेगा, खुद को अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा उस लेवल पर, ठीक है, कि वो उस तरीके के कैंडिडेट्स को हायर करे, उस तरीके से उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे जिससे कि वो सभी लोग क्या हो, ओवरऑल क्या हो, बिजनेस की ग्रोथ हो, ठीक है। देन यहाँ पर क्या है कि द फोकस ऑफ बेस्ट फिट अप्रोच किसके ऊपर ज़्यादातर फोकस करता है कि लिंकिंग द HR स्ट्रैटेजी विद द बिजनेस स्ट्रैटेजी, कि मतलब कि जो बेस्ट फिट अप्रोच के अंदर आप क्या करते हो, HR स्ट्रैटेजी को बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ क्या कर देते हो, आपस में मर्ज कर देते हो, लिंक कर देते हो, ठीक है। तो अलाइनिंग HR विद बिजनेस स्ट्रैटेजी कैन बूस्ट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, इससे क्या होता है, HR स्ट्रैटेजी को बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ में लिंक कर देने से क्या होता है, एक तो आपके एम्प्लॉयज तो सेटिस्फाई होते ही हैं, इसके साथ ही साथ में जो भी ओवरऑल आपकी जो भी परफॉर्मेंस है बिजनेस की, ठीक है, और साथ ही साथ में एम्प्लॉयज के साथ में कस्टमर भी सेटिस्फाई होते हैं और परफॉर्मेंस ऑफ की जो भी ओवरऑल बिजनेस की होती है वो सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं दोस्तों, वो सभी चीज़ें क्या हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है, ठीक है, अगर हम दोनों की स्ट्रैटेजीज को साथ में लेकर के चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं, जैसे कि लेट से कि एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है, जैसे हमने अभी बताया कि यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, तो क्या मुझे ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढना चाहिए जो कि फिनेंस रिलेटेड नॉलेज रखते हो या फिर जो कि अलग ही क्षेत्र में किसी दूसरी चीज़ से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, टेक्निकल आदमी जो कि जिनको मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में ज़्यादातर नॉलेज हो, ठीक है, जिनकी स्किल उस तरीके के कामों से मैच करे, तो मैं क्या करूँगा, उन सभी कैंडिडेट्स को हायर करूँगा जिनकी स्किल उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो लेट्स से अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वॉन्ट टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन एंड इंटर न्यू मार्केट, अगर कोई भी एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो अपने आप को डेवलप करना चाहती है, वो अपने आप को न्यू मार्केट में लेकर के आना चाहती है, तो HR स्ट्रैटेजी यानी कि एक HR डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा, रिक्रूट एंड हायरिंग एम्प्लॉयज विद एक्सपीरियंस इन टारगेट मार्केट्स, लाइक कि वो क्या करेगा कि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जो कि एक्सपीरियंस होगा जिनका, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जिनके जिनका फील्ड में एक्सपीरियंस होगा उन सभी लोगों को वो हायर करेगा, ठीक है, उस तरीके की वो लैंग्वेज को देखेगा, उस तरीके की कल्चर को देखेगा कि कौन बंदा कहाँ पर से आ रहा है, कितने साल का उसका एक्सपीरियंस है, ऐसा तो नहीं कि वो किसी दूसरे फील्ड में एक्सपीरियंस लेकर के आ रहा हो और वो अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आना चाहता हो, कि वो किसी हॉस्पिटल इंडस्ट्री से आ रहा हो और अब मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहता हो, वो किसी होटल हॉस्पिटैलिटी से आ रहा हो, ठीक, कि होटल्स में खाना बना करके आ रहा हो, ठीक है, होटल्स वगैरह में काम करके आ रहा हो, अब वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में शिफ्ट होना चाहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना चाहिए, ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढना चाहिए जो कि जिनका पास्ट जो भी एक्सपीरियंस है वो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिलेटेड ही हो, ऐसा नहीं हो कि उसका पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस
रीजन है वो किसी दूसरी कंपनी दूसरे लाइक कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से था, लाइक हॉस्पिटल से, हॉस्पिटैलिटी से, और भी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से था, और अब वो अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लेकर के आना चाहता हो, ठीक है, कोई कॉल सेंटर में काम करता हो तो अब वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आता हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो एचआर डिपार्टमेंट इस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा और वो क्या करेगा कि उस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को प्रोवाइड भी करेगा, उस तरीके के लोगों को हायर करेगा जिनका एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ही हो, ठीक है, और उस तरीके से उनको क्या करेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन स्किल्स ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है, जो कि वहाँ के जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगी दोस्तों, बेनिफिट करेगी, ठीक है। तो दे कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दैट असेसेस एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज एक्सपेंशन गोल एंड That's it, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा क्या मतलब है कि अगर देखो, अगर आप क्या हो कि किसी भी तरीके के एक कंपनी के एम्प्लॉय हो, लाइक अगर आप किसी भी तरीके कंपनी के एचआर हो, ठीक है, तो आपको अपने कंपनी के बारे में देखना होगा कि वहाँ पर आपकी कंपनी एक्चुअल में क्या चाहती है, उसका एंड गोल क्या है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को हायर करना पड़ेगा, उनको ट्रेंड करना पड़ेगा, उनको डेवलपमेंट करना देना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कि लिंकिंग एचआर स्ट्रेटजी विद बिजनेस स्ट्रेटजी। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल आपके मन में कोई कंफ्यूजन और डाउट हो, मैंने अपना 100% दिया कि आपको अच्छे तरीके समझ में आए, बट अगर आपके मन में कोई भी अभी भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो उसको भी लाइक करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, लाइक यहाँ पर देखते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन इन एचआरएम, ठीक है। तो इसके ऊपर भी दोस्तों पूरा डिटेल के साथ में वीडियो है, इसको भी हम लोग देखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और ये सारी चीज़ें ईएचआरएम इन सभी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।